बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मेदू वड़ा। तो हम मेरी रेसिपी को शुरू करें इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने लिए सफ़ेद उड़द की दाल, जिसे मैं धोकर 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। अगर आपको इसे मॉर्निंग में बनाना है तो आप इसे नाइट में ही भिगो दें और अगली मॉर्निंग में इसे पीस लें। तो मैं इसे भिगा कर रख रही हूँ 8 घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने इसे भिगा दिया है, 8 घंटे के लिए भिगा दिया था। तो ये अच्छी तरह से देखिए भीग गई है। अभी मैं इसे मिक्सर जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक और आधा टीस्पून मैं डालूंगी इसमें हींग। इसमें मैं बेकिंग सोडा या सोडा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से भीग गई है दाल, और अभी हम इसे 5 मिनट तक इस तरह से फेटेंगे, जिससे हमारे मेदू वड़े जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए इसमें किसी तरह से सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से फेट रही हूँ, और मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसे हम मीडियम गर्म होने देंगे। अभी मैं ले रही हूँ एक प्याली में पानी, और इस पानी को लगा रही हूँ मैं अपनी हथेलियों पर। और अभी मैंने ये उड़द की दाल का बैटर अपने हाथ पर और उंगली को पानी में डिप करके इस तरह से इसमें होल बना रही हूँ। और उधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं ये मेदू वड़े को इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। है ना बनाना आसान? ये देखिए, बाकी भी मैं इसी तरह से बना के इसमें डाल दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं बिना सोडा डाले ही। इन्हें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से तल लें, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। ये देखिए, ये गोल्डन कलर आ गया है। हमें इसे ज़्यादा डार्क भी नहीं तलना है, और इसे मैं निकाल रही हूँ एक टिश्यू पेपर पर। ये देखिए, बनकर तैयार है मेदू वड़ा, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बनकर तैयार है हमारे ये मेदू वड़ा, जिसे गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये नाश्ते के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, जो जल्दी बन भी जाती है और खाने में भी मज़ेदार लगती है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।